माँ नौ दिन नौ देवी नौ रूप में आती हैं। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्माण्डतम चतुर्थकम्। पंचम स्कंदमातेति षष्ठम कातिनीति च, सप्तमम कालरात्रि महागौरति चाष्टमम, नवम सिद्धात्री नव दुर्गा प्राकृतः। ये नौ देवी हैं। प्रथम दिन शैलपुत्री, माँ शैलपुत्री का बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रै नमः। अब नवरात्रि में माँ की नौ रूपों में विभिन्न प्रकार से पूजन किया जाता है। शैलपुत्री माँ की आराधना करने से, नौ देवी की आराधना करने से धर्म, अर्थ, मोक्ष, ये तीनों की प्राप्ति हम सब भक्तों को प्राप्त होती है। माँ की जो आराधना करते हैं, तीनों चीज से वैभव संपन्न हो जाते हैं, सारे संसार के कष्ट दूर हो जाते हैं। शैलपुत्री को जानिए, माँ शैलपुत्री क्या है? शैलपुत्री ही नाम माँ का क्यों पड़ा? माँ शैलपुत्री का जो मंत्र है, पहले मंत्र को जाने, माँ की आराधना करने से पहले मंत्र से ही माँ को प्रसन्न किया जाता है कि वंदे वांछिता लाभायाम चंद्रार्तकृत शेखराम वर्षारुणाम शूलाधराम शैलपुत्रीं नमामि अहम्। माँ शैलपुत्री का नाम पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण ही शैलपुत्री कहा जाता है। माँ शैलपुत्री, माँ शैलपुत्री ने घोर तप किया, और माँ ने जब घोर तप किया, आराधना किया, इतना तप किया, इतना घोर तप किया कि माँ के पूरे शरीर में बर्फों से ढक गया। इसलिए माँ शैलपुत्री नाम पड़ा। माँ शैलपुत्री को पूर्व जन्म में माँ सती का रूप भी माना गया है। जिस समय दक्ष ने सती का अपमान किया, उनके पति शिव का अपमान किया, सती का अपमान किया, शिव का अपमान किया, माँ तो सती से मिली, बहन ने निंदा किया, और पिता ने जब निंदा किया तो उन्होंने सती का त्याग कर दिया, और त्याग करने के पश्चात जब त्याग कर डाला तो पुनः उनका जन्म हुआ हिमालय राज के यहाँ। हिमालय राज में पार्व जब जन्म हुआ तो उन्होंने 8 वर्ष की रूप में ही जन्म लेकर के जब तप करना शुरू कर दिया, और जप किया भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, भगवान शिव से करने के लिए शैलपुत्री ने जन्म लिया, तो माँ का नाम शैलपुत्री पड़ गया। हिमालय की पुत्री होने के कारण शैलपुत्री कहलाया। उनका जो वाहन है वृषभ है। माँ को सफेद वस्तु बहुत पसंद है। शैलपुत्री की आराधना करने के लिए सफेद फूल, सफेद वस्तु का भोग लगाना चाहिए, या हो दूध हो, मखाने हो, इससे माँ का भोग अर्पण किया जाता है। माँ पार्वती को एक नाम शैलपुत्री का एक नाम हेमवती भी रखा गया है, क्योंकि हिमालय की पुत्री होने का नाम इसका इनका हेमवती भी रखा गया है। माँ की आराधना करने से जो भी माँ की आराधना करता है उसे जीवन में स्थिरता प्रदान होती है, स्थिरता आती है उसके जीवन में और दृढ़ता आती है। माँ की आराधना करने से जीवन स्थिरता और दृढ़ता की प्राप्ति होती है। और साथ में जब शैल प्रथम दिन पूजा करें तो एक कन्या का पूजन जरूर करें, साथ में एक कन्या का पूजन और एक छोटे से बच्चे को टीका जरूर लगाएं, कन्या के पैर पड़ें और पैर धुलें नित्य प्रतिदिन। आज शैलपुत्री है, शैलपुत्री रूप मान करके 10 साल से छोटी कन्या, 2 साल से ऊपर कन्या का, 3 वर्ष से कन्या से 10 साल तक कन्या का पूजन करना नित्य चाहिए। 9 दिन तक शैलपुत्री के दिन पूजा करने से, और कन्या को माँ का रूप मान करके मनी मन मनोकामना बोल करके, और उसे मखाना या सफेद वस्तु का दूध का भोग लगाएं, इस उससे आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। जय माता दी। मैं आचार्य कपिल कृष्ण जी महाराज।